हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक। और भाई आज आप लोग जानते हैं क्या था, आज तो भाई साहब यहाँ पे मंडे गाइस, यहाँ पे अपना पांचवा दिन। और हाँ भाई, ये मंडे वर्किंग डे नहीं था भाई साहब, ये मंडे कहीं ना कहीं एक वीक ऑफ की ही तरह था भाई साहब, एक वीकेंड ही था अपने लिए। तो बॉक्स ऑफिस के और फिर एक बार कहीं ना कहीं हम लोगों ने कलेक्शंस किए हैं, और कलेक्शंस फिर एक बार वही चीज़ है, डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। लेकिन बस ये बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों ने एक अच्छी मूवी लेकर के आया, कहीं ना कहीं जो अच्छी ऑडियंस, जो कहीं ना कहीं ऐसी ऑडियंस होती है जो निगेटिविटी से दूर रहती है, जो कहीं ना कहीं कंटेंटफुल मूवीज चाहती है, जो कहीं ना कहीं ऐसी मूवी चाहती है जो फैमिली के साथ बैठ करके हम लोग इन्जॉय कर पाएँ। सो उस ऑडियंस ने कहीं ना कहीं मूवी को देखा फिर एक बार। शोज़ भी आज अपने पास काफ़ी ठीक ठाक थे, शोज़ बिल्कुल ख़राब नहीं थे, शोज़ काफ़ी ठीक ठाक थे। एंड हाँ भाई, सिंपल सा फंडा वही है कि बुश प्रॉबली ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे से गाइस कहीं ना कहीं आने वाले वीकडेज से बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने जो शोज हैं काफ़ी कम हो जाएंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगले वीकेंड तक, मतलब कहीं ना कहीं फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं ना कहीं हमारे पास शोज बहुत ही कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, 3-2 का जो बज है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से अभी मेंटेन है, लगातार ऑडियंस जा रहे, लोग देखना चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहते हैं। और ये कहने की रियलिटी है कि खेल खेल में से ज़्यादा लोग फिलहाल के समय अक्षय पाजी को देखना पसंद कर रहे हैं 3-2 के अंदर, और ये काफ़ी शॉकिंग है बट ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सो गाइस, बॉक्स ऑफिस की बातें करते हैं, कितने कलेक्शंस हुए। एंड हाँ, मैं देख रहा हूँ यार एक आध लोग हैं जो मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर व्यूज़ के लिए अक्षय पाजी के बारे में बातें करता हूँ। तो भाई सिंपल सा फंडा ये है कि मैं ऑलरेडी लगभग 2 से 3 बार अपने चैनल की बैंड बजवा चुका हूँ, और समझ सकता है कि मेरा रीज़न जो होगा इस चीज़ के लिए मैं बस बताना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं अगर कर रहा हूँ तो भाई मैं दिल से कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी सोचने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अभी भी मेरे चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक है, और मूवी का नाम बताऊंगा आप शौक में चलेंगे भाई साहब। मूवी का नाम है सरफिरा, अक्षय पाजी को सपोर्ट करने के लिए मैं अपने चैनल के ऑलरेडी 2 से 3 बार बैंड बजा चुका हूँ, और अगर उसके बावजूद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है, आप मेरी हॉनेस्टी को जज नहीं कर सकते। और मैं बस किसी को प्रूफ नहीं करना चाहता, बट मैं देख रहा था कुछ एक आध लोग बातें कर रहे थे, सो बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पसंद इसलिए कर रहा हूँ। सो जस्ट रिलैक्स, बात करते गाइस यहाँ पे शोज एंड कलेक्शन। सो भाई फ्लग से बातें करते हैं, सबसे पहले बातें कर लेते हैं मेन मूवी, बड़ी मूवी भाई, धमाकेदार मूवी है जिसके अंदर अपने एक अच्छा खासा कैमियो भाई साहब, यहाँ पे 3-2। सो गाइस 3-2 ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर फाड़ के रखा है, और लिटरली फाड़ के रखा है, क्या ही बोला जाए इस मूवी के ऊपर भाई साहब। आज मंडे था लेकिन कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का बहुत ही जबरदस्त फायदा इस मूवी ने उठाया भाई साहब। बॉक्स ऑफिस के ऊपर आज भी एग्जैक्टली आज भी मूवी को बताया जा रहा है 40 करोड़ तक कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। और अगर आज मूवी 40 करोड़ कलेक्शन कर लेगी भाई साहब, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां पे पार हो जाएंगे 227 करोड़ प्लस इन जस्ट 5 डेज। ये नेट इंडिया कलेक्शन की बात करूँ, 227 करोड़ प्लस नेट इंडिया, एक श्रद्धा कपूर की फिल्म भाई, राजकुमार राव की फिल्म, सीरियसली बहुत ही नेसेबल हो चुका है। एंड हम लोग जानते हैं, आप कहीं ना कहीं अक्षय पाजी भी एक फिल्म भी हो आपको बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आप लोग जानते हैं कैमियो को लेकर के आगे बहुत बड़ा प्लानिंग है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच 3-2, लेकिन उसके पहले खेल खेल में देखो यार, खेल खेल में आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म। बात करते भाई साहब यहाँ पे कलेक्शन को लेकर के, सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से अपने मूवी के पास। डे नंबर 1 के ऊपर बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन मारे थे हम लोग ने 5.75 करोड़। डे नंबर 2 यानी भाई साहब यहाँ पे मूवी का फर्स्ट फ्राइडे, मूवी ने कलेक्शंस कितने के 2.42 करोड़। बात करें डे नंबर 3 गाइस, अपनी फिल्म का फर्स्ट सैटरडे कलेक्शंस निकल करके आए 3.1 करोड़। बात करते हैं यहाँ पे संडे, संडे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस थे कलेक्शंस में बड़ा जंप आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ भाई साहब। यहाँ पे मूवी ने कलेक्शंस किए 3.85 करोड़, शॉकिंग कलेक्शंस हैं, मतलब वाकई बहुत ही शॉकिंग है। और ये कहने की बता दिया कि हम लोग मतलब कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पीआर को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के, कहीं ना कहीं प्लान नहीं बन पा रहे, कुछ तो यहाँ पे मसला है जो मेकर्स को बैठ करके सुलझाने की बहुत ही जरूरत है। बात करते हैं गाइस आज, सो आज आप लोग जानते हैं आज कौन सा दिन है, आज भाई साहब यहाँ पे मंडे, और बताया जा रहा है कि हमारी मूवी के पास ऑडियंस आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं आएगा इस, कहीं ना कहीं आज हमारी मूवी जो है कलेक्शंस करने वाले 1.8 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक, और ये कलेक्शंस काफ़ी शॉकिंग है, सीरियसली गाइस बहुत ये शॉकिंग है। एंड मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखा है प्लीज़ गो एंजॉय। और बात करते हैं शोज गाइस, आज मंडे के दिन भाई साहब यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन हमारे पास शोज कितने थे, मुंबई के अंदर 313 शोज, दिल्ली एनसीआर गाइस 407 शोज, पुणे के अंदर 83 शोज, बेंगलुरु के अंदर 80+ शोज, कोलकाता 108 शोज, सूरत के अंदर 101 शोज। एंड ये था फिलहाल के समय अपने शोज के आंकड़े, ऑक्यूपेंसी भी आज हमारे पास 5%,
19% और 31% तक गया। मतलब कहीं ना कहीं सिंपल सा फंडा वही है कि ऑडियंस आ रही है, ऐसी बात नहीं ऑडियंस बिल्कुल नहीं आ रही है, मूवी अच्छी, ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, बट ये जो ऑक्यूपेंसी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड इस ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिजल्ट हम सभी के सामने फेलियर है, और आई जस्ट होप कि हम लोग अगले वीकेंड तक जा पाए। देखते हैं क्या कुछ होता है, आंकड़े कहाँ तक पहुँचते हैं, बट फिलहाल के समय गाइस एक अच्छी मूवी को लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। थैंक यू सो मच सभी के लिए, इतने बाकी बातें बाद में करेंगे, बाय।